हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका मैं स्वागत करना चाहता हूँ। कान खोल के सुनो, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हो तो टेंशन तो नहीं लेना है, लाइफ में टेंशन नहीं लेना है, स्पेशली पढ़ाई के लिए तो लेना ही नहीं है, जब तक आपका दोस्त आपका भाई आपके साथ है। आपने देखा होगा कि इस साल अभी यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है। सिर्फ यूपी बोर्ड नहीं, हमारे चैनल से सभी मीडियम बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं। बिहार बोर्ड होगा, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हर बोर्ड से हम टॉपर देते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, मैंने उनका वीडियो बना के खुद भेज रहे हैं, मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। कमेंट सेक्शन खोल के देख लो, आपको पता लग जाएगा टॉपर यहीं से बनते हैं। और मैं जो पढ़ाता हूँ फ्री में पढ़ाता हूँ, कोई मेरा पेड कोर्स नहीं है। मेरे जितना चैनल का सब्सक्राइबर फ्री में पढ़ाता है, आप बाकी लोगों को देखो, सबका कुछ ना कुछ पेड चल रहा है, लेकिन हम फ्री में पढ़ाते हैं। फ्री के वैल्यू किया करो दोस्त, हमें भी आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। चलिए मेन मुद्दे पे बात कर दें। क्लास 12th स्पेशली बोर्ड एग्जाम के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बच्चे सोचते हैं सर बोर्ड एग्जाम देंगे हम तो, सर हमें ऐसी किताब बता दो कि जहाँ से हम पढ़े और हम फाड़ दे पूरे बोर्ड एग्जाम में, सारा कुछ वही आ जाए, है ना। मुझे बता दो, मैं आज ही खरीद लूंगा और आज से ही पढ़ूंगा। अच्छी बात है, आप अपने बोर्ड एग्जाम को लेके थोड़ा अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो थोड़ा चिंतित होना चाहिए, लाजमी ये बात है। लेकिन अगर मैं आप बोलूं कि वो जो किताब है वो आपके आपके बैग में ही रखा पड़ा, आपके घर में रखा पड़ा है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए जो सीक्रेट किताब है, ठीक है, सबसे सीक्रेट किताब बताने बताने जाने वाला हूँ, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, वो होगा दोस्त आपकी एनसीईआरटी। हाँ, वो क्या है दोस्त, एनसीईआरटी है। पूरा वीडियो देखो फिर पता लगेगा कि भाई क्या है। अगर आप शुरू से एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, चाहे आप कक्षा 10 में हो या 12 में हो, तो लगभग लगभग एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन 80% आपके 70 से 80% आ जाते हैं डिक्टो, वैसे उसी प्रकार के, उसी से मिलता जुलता, जो सिलेबस में वहीं से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा ना, ये चीज भी फैक्ट है, ये भी मानते हो आप। तो सबसे पहले देखो बच्चों, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, कक्षा 10 में हो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ो, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अगर आप कक्षा 12 में हो तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, देखो मैथ्स के लिए तो एनसीईआरटी ही पढ़नी है और कुछ नहीं। लेकिन अगर आप फिजिक्स के लिए बात कर रहे हो, केमिस्ट्री की बात करो, तो आप रेफरेंस बुक ले सकते हो। मेरे पास जो रेफरेंस बुक, जो मैंने पढ़ाई की थी, वो मैंने पढ़ाई की थी नूतन से। अब आप ये मत सोच रहे हो ना कि इन्होंने मुझे पैसे दिए, नहीं, माँ सरस्वती की कसम मुझे किसी ने कोई पैसा नहीं दिया है। मैं अपने दिल से आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ा था बेस्ट बुक है, आप परचेस करके पढ़ सकते हो या फिर कोई और पढ़ लो, लेकिन आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अच्छी डीप नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो, ठीक है, चाहे नूतन पढ़ो या कोई और पढ़ लो। रेफरेंस बुक आपको फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर आपके पास बायोलॉजी है तो लो, लेकिन हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, गणित के लिए आपको एनसीईआरटी से ही काम चल जाएगा, किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। कक्षा 10 में अगर हो तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, और उसके साथ साथ चाहे ये 10th हो या 12th हो, आप क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्वेश्चन बैंक किसी भी पब्लिशर्स की, ठीक है, चाहे आपके पास वो विद्या की हो, चाहे चित्रा की हो, चाहे नॉर्मल क्वेश्चन बैंक हो, किसी भी पब्लिशर्स की। देखो अगर कोई पेड वीडियो होता है ना, तो पेड वीडियो में एक ही पब्लिशर्स का नाम लेना होता है, सबका नहीं, तो मैं यहाँ तो सबका ही नाम ले रहा हूँ, सबका फायदा हो। मैं तो देखो, जो चीज, जो अच्छा काम करता है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई टीचर भी अच्छा करता है ना, मैं भी उसका नाम लेता हूँ अपने वीडियोस में, कोई नहीं करता ऐसा, लेकिन मैं करता हूँ। अच्छे को अच्छा बोलना सीखो और बुरे को बुरा, ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो क्वेश्चन बैंक ले लो किसी भी पब्लिशर की, और हाँ, 2023-24 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, वही सेशन आपका इस साल चलने वाला, वही सिलेबस है आपका। तो दोस्त, जो मार्केट में आपके मिल रहे हैं पुराने वाले, तो ले लो, या फिर आपके सीनियर से उठा के ले लो क्वेश्चन बैंक, तैयारी कर दो। सारा कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी बना के रखे हैं, जो पिछले साल था वही इस साल फिर से आने वाला है, तो झंझट ही खत्म है भाई, कि कुछ अलग है, अलग पढ़ना है, नहीं, वही था, वही सिलेबस है, तो वही इंपॉर्टेंट वही रहने वाला है, ऑलरेडी बना रखा है भाई, प्लीज चेक करो, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो क्वेश्चन बैंक ले लेना। अब क्वेश्चन बैंक लेने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बैंक में पिछले 10-15 साल के क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, 1 नंबर में कौन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में कौन इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में कौन इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में, 6 नंबर में, ऐसे दिया होता है, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आ रखा है, ये दिया होता है, ठीक।
उसके बाद जब एग्जाम आने से 2 महीने पहले मॉडल पेपर हम सॉल्व करेंगे। मॉडल पेपर अभी नहीं करना है। मॉडल पेपर में विगत वर्षों के प्रश्न पत्र आपके क्वेश्चन बैंक में भी आ जाते हैं और मॉडल पेपर में भी हम करेंगे। मॉडल पेपर जो ऑफिशियल वाला आता है वो तो करना ही करना है, और भी मैं कराऊंगा एक्स्ट्रा आपकी तैयारी कराने के लिए। तो वो बात की बात है, जो अभी आपको पढ़ना है एनसीईआरटी पढ़नी है। जैसे एक चैप्टर खत्म हो गया, वो चैप्टर खत्म होने के बाद उसी चैप्टर का क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक हर सब्जेक्ट की खरीद लो। कई टीचर बोलते हैं क्वेश्चन बैंक बेकार होता है। नहीं भाई, टॉपर बनना है तो क्वेश्चन बैंक आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में, कि भाई कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आता है। इससे आपको पता भी लगेगा कि हाँ यार, ये क्वेश्चन है, ये तो मुझे आता है, ये बार बार आता है, इसको अगर आपने नहीं किया तो आप उसको करने लगोगे। ये चीज़ होती है बेनिफिट, और ये हर बोर्ड्स के लिए बोल रहा हूँ, हर बोर्ड के लिए बोल रहा हूँ, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, ठीक है, सभी के लिए है। तो ये सिंपल सा फंडा अपनाओ, कंसिस्टेंट रहो, रेगुलर पढ़ाई करो। अगर आपको टॉपर बनना है तो सिर्फ सोचने से नहीं बनोगे, पढ़ोगे तभी बनोगे, ठीक है। दिन भर रील्स देखने पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, ये मेरी बॉयफ्रेंड बन जाए, है ना। मानता हूँ आप जिस एज में हो ना उसमें हार्मोनल चेंज बहुत होते हैं, आपको अपोजिट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा, और आपको लगेगा कि यही मेरी दुनिया है, यही मेरा प्यार है, ये नहीं मिलेगा तो मैं तो, ऐसा फील आता है। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, आप खुद अपने आप को कोसोगे कुछ टाइम बाद कि यार उस टाइम में पढ़ लेता, काश में पढ़ लेता। तो ये जो रिग्रेट है वो लाइफ में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इस फेज से हम आ चुके हैं, कुछ नहीं रखा होता है। फिर आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारना, पढ़ाई करना, शुरू से पढ़ो तो आपका लोड नहीं पड़ेगा एग्जाम में। थोड़ा पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, ये मेरा कहना होता है। कई बच्चे क्या होता है, स्टार्टिंग में नहीं पढ़ते और एग्जाम जब आता है रात रात भर पढ़ रहे, कोई फायदा नहीं है। जितना पढ़ोगे प्रेशर में पढ़ाई नहीं घुसती है, हमें चीज़ों को समझना है। डेली पढ़ो, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, कंसिस्टेंट रहो। सारा कुछ यूट्यूब में मैंने पढ़ा रखा है, सब कुछ मिल जाएगा। हमेशा पढ़ते हुए नोट्स बना के पढ़ो, डाउट रहे तो मुझसे पूछो, वीडियोस देखो, टीचर से पूछो, दोस्त से पूछो, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे संगति में रहो। जो दोस्त आपको गलत चीज़ों के लिए बोलते हैं उनसे दूरी बनाओ, वो तो डूबेंगे, तुम्हें भी लेके डूबेंगे, तो इनसे बच के रहना है, ठीक है। बाकी वीडियो का जो मेन टॉपिक था वो मैंने आपको बता दिया, सब कुछ पढ़ा रखा है। वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।